सी, मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल की जो है मेंस 2023 के लिए आंसर राइटिंग करेंगे। तो बेसिकली ये मेंस का आंसर राइटिंग बैच है, डेली आंसर राइटिंग। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 75 डेज का है और इससे रिलेटेड सारी डिटेल जो है नीचे है। और 2022 में जो है डायरेक्ट 45 क्वेश्चन आए थे और बाकी ये 2024 का जो बैच है आप उसको देख सकते हैं। और ये इसका प्रिडिक्शन है, 102 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीलिम्स कोर्स। तो देखिए, ये यूपी स्पेशल का टेस्ट 7 था और जो इसमें आज हम क्वेश्चन मतलब जो आंसर लिखने वाले हैं लाइव, वो हम सेकंड आंसर लिखेंगे। एलिब्रेट द इनिशिएटिव टेकन बाय द यूपी गवर्नमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। तो एजुकेशन है ये, GS5 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बजट में एलोकेशन भी हुआ है कुछ स्कीम्स के लिए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इंटीग्रेटेड जो आपका एजुकेशन सर्विस कमीशन जो बन रहा है, आयोग बन रहा है एक एजुकेशन का, तो उसके लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो है एजुकेशन पे कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। प्राइमरी एजुकेशन तो हमेशा ही जो है इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 125 वर्ड्स का, सीधे आपको एलिब्रेट करने हैं इनिशिएटिव। तो सीधे आपको एलिब्रेट इनिशिएटिव करना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम जो उत्तर प्रदेश का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इस हिसाब से कर लेंगे। ओके, तो 125 वर्ड्स में लिखना है अपने आंसर को। आप पुराने आंसर देख लीजिए, मैंने आपको कैसे बता रखा है, इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है, तो ये सब देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपना आंसर लिखते हैं। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन बेसिक एजुकेशन since formation of national education policy 1986, the UP government is running many schemes to ensure enrollment of all children. अभी अप्रैल के महीने में भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्कूल चलो अभियान भी चलाया था 100% एनरोलमेंट के लिए। तो बेसिकली प्लान ये चलाया था। तो बेसिकली ये हर बार चाहे स्कूल चलो अभियान ही हर बार चलाया जाता है, जैसे आपके स्कूल खुलते हैं तो ये 100% एनरोलमेंट का मतलब मोटिवेट करने के लिए कि सब लोग जो है स्कूल में एनरोलमेंट कराएं। तो ये है, यूपी गवर्नमेंट इज़ एनरोलमेंट फॉर टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन 16 to 14। फिर उसके बाद अंडर RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 UP government decide establish primary educational institute कौन से population of 300 and distance of 1 kilometer। फिर यहाँ अपर प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
पॉपुलेशन 800 एंड डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो ये आपने अपना बैकग्राउंड दे दिया और थोड़ा ये इनोवेशन भी कर दी कि मतलब अंडर आरटीआई एक्ट जो यूपी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव किया है, तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी बता दी बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें। अब हम मेन बॉडी पे आते हैं क्या इनिशिएटिव टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। तो इनिशिएटिव टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, पहला ऑपरेशन कायाकल्प लॉन्च्ड इन। देखो जिसकी राइटिंग थोड़ी गंदी है और थोड़ा बहुत घिचपिच हो जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैंने ये पॉइंट लिखा, इसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस दे दो और फिर उसके बाद लिखना शुरू कर दो, तो इससे थोड़ा ब्रेक भी लगता है और आप अपना आंसर देखेंगे तो थोड़ा आपका आंसर सुंदर भी लगता है। लॉन्च इन 2004 डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन स्कूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, वन ग्राम्स इनिशिएटिव टू रीच लास्ट माइल बाय कंस्ट्रक्टिंग प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स इन 1 ग्राम्स। 1 ग्राम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इनहैबिटेड कम्युनिटी है जो म्यांमार से माइग्रेट हुई है और ज़्यादातर ये गोरखपुर महाराजगंज जो रीजन है वहाँ ये रहते हैं। वन टिग्गिया कम्युनिटी ऑफ म्यांमार इन गोरखपुर एंड महाराजगंज। गोरखपुर एंड महाराजगंज, तो 1 ग्राम एस्टैब्लिश 1 ग्राम्स। नेक्स्ट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन थ्रू कस्तूरबा गांधी विद्यालय। यहाँ क्या मिलता है? फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन ड्यूरिंग 6th to 8th क्लास गर्ल्स। नेक्स्ट क्या हो गया? राइट नाउ 46 विद्यालय फंक्शनल। इसमें ही एक मीना मंच
एस्टैब्लिश इन अपर बेसिक स्कूल डेवलपिंग लाइफ स्किल्स, ठीक है। अब स्कूल चलो अभियान टू अचीव 100% एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 16 to 14 years, ठीक है। नेक्स्ट मिड डे मील स्टार्टेड इन 2004 टू प्रोवाइड कुक्ड फूड टू स्कूल चिल्ड्रन। तो ये आपने यहाँ इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसके बाद आपने इनिशिएटिव लिख दिया क्या क्या है, फिर आप जो है अपने आंसर को थोड़ा इनोवेट करने के लिए आप लिख सकते हैं अचीवमेंट ऑफ यूपी, अचीवमेंट ऑफ यूपी इन प्राइमरी एजुकेशन। अब अचीवमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ASER 2022 स्कूल एनरोलमेंट अप बाय 1.9%। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कोई भी एजुकेशन की चीज़ें आएंगी ये ASER वाला जो है आप इसको आराम से कोट कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 years, इम्प्रूव टू 97.1%। फिर तीसरी एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल इंक्रीज टू 59.6%। दूसरा क्या है, हाँ तो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ये लिख सकते हैं। बाकी यहाँ जो है इसका एक और फैक्ट है वो भी आप लिख सकते हैं कि जो एक आरोहिणी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है समग्र शिक्षा प्लस एनजीओ ने मिलके, किसके लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स इन कस्तूरबा। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स, तो इसको भी आरोही ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। करंट अफेयर का है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। आप कंक्लूड कर सकते हैं कुछ करंट अफेयर के एस्पेक्ट्स देके और उसको आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन से ही कर सकते हैं, तो कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट मेक
एवरी एफर्ट टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन एंड अपकमिंग इंटीग्रेटेड यूपी एजुकेशन सर्विस एजुकेशन सर्विस सेलेक्शन कमीशन विल बी स्टेप इन दिस रिगार्ड टू इंश्योर टाइमली सेलेक्शन ऑफ टीचर्स. कमीशन आएगा तो टाइमली सेलेक्शन ऑफ टीचर्स हो गए. टाइमली सेलेक्शन ऑफ टीचर्स विच फर्दर ये इंटीग्रेटेड यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन. टाइमली सेलेक्शन ऑफ टीचर विच फर्दर स्ट्रेंथन एजुकेशन सिस्टम. तो ये जो आंसर है ये मेंस जो डेली आंसर राइटिंग है उसका आंसर है. हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया. ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक मेंस का ग्रुप है. आप वहाँ इसको अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सारे टेस्ट हैं. मतलब ये टेस्ट नंबर 7 है यूपी का. तो इस तरीके से ही बाकी सारे टेस्ट हैं. 75 डेज़ का प्रोग्राम है. ये सारी डिटेल्स आप यहाँ आप देख सकते हैं और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम लाइक जो है बिल्कुल क्वेश्चंस और इस तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो आप इनको ऐसे देख सकते हैं कि जो सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम लगभग सारे ही कवर कर लेंगे. तो इस तरीके से अपने आंसर को आप लिख सकते हैं. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन लिखना है. तो किस तरीके से अपने आंसर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा. देखो यहाँ हमने कुछ बैकग्राउंड दिया, कुछ इनोवेशन करी. अब ये देखो ये हमसे पूछा नहीं गया था. RTE एक्ट और ये सब अचीवमेंट्स भी हमसे नहीं पूछे गए थे लेकिन हमने ये एक उसमें लिख दिया तो मतलब अच्छा ही हो गया ना. ये मतलब कुछ अलग सी चीज़ हो गई और यही सारी चीज़ें जो है 0.5 मार्क्स आपको ऐसे एक्स्ट्रा फेच कर देती हैं. आप सपोज़ ये समझो कि आपके पास 20 क्वेश्चन है ना. 20 क्वेश्चन में आपके 0.5 आपने इन सारी चीज़ों से एक्स्ट्रा फेच कर लिए तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स. अगर सोचो अगर 90 मार्क्स आ रहे थे आपके कहीं तो वो 10 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स हो गए. और ये इस टाइप से अगर आप इंट्रोडक्शन और ये सब लिखोगे तो आप आराम से जो है 1 मार्क जो है एक्स्ट्रा फैच कर लोगे. 1 मार्क्स इंटू 20 20 मार्क्स. जहाँ आपके 90 मार्क्स आ रहे थे ये 20 कितने हो गए? 110 मार्क्स. तो ये सारी चीज़ें ही जो आपकी इनोवेशन है वो ही आपको जो है ये 100 के अराउंड जो है स्कोर करने में आपकी मदद करती है. तो इस तरीके से अपने आंसर्स को आप लिख सकते हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.